हम IUPAC नॉमन क्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप हम किसे कहेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्डेड टू ओ एच को हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नॉमन क्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम कैसे प्रोवाइड करते हो? दरअसल आप कार्बन नंबर काउंट करते हो और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आप उस चेन को एल्केन नाम प्रोवाइड करते हो। तो इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं? तीन। एक दो तीन। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन हम इसे एल्केन नेम प्रोवाइड करेंगे। तो तीन कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। जब आपने कार्बन चेन को एल्केन नाम प्रोवाइड किया तो उसके बाद आप एल्केन के नाम के आखिर से ई को मिटाओ और ई की जगह आपने क्या लिखना है? डाई ऑइक एसिड। क्या लिखना है? डाई ऑइक एसिड। आपने कार्बोक्सिल ग्रुप के पोजीशन को मेंशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन वाजे है। दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप चेन के एंड में पाया जाता है। चूंकि उनकी पोजीशन वाजे है, इसी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन कर लें। तो सिंपल तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो चेन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एल्केन नाम प्रोवाइड करो और एल्केन के नाम के आखिर से ई को मिटाकर उसकी जगह डाईऑइक एसिड आपने लिखना है। एक और एग्जाम्पल दूंगा ताकि ये चीज आपके लिए मजीद क्लियर हो जाए। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आप देख सकते हो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, एक इस एंड पर दूसरा दूसरे एंड पर। तो ये हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। उस वक्त मैंने आपको बताया था रूल क्या है IUPAC नाम प्रोवाइड करने का। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो और उसके अकॉर्डिंग एल्केन नाम दे दो। कितने कार्बन हैं? एक दो तीन चार। चार कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन। एल्केन नाम दे दिया। अब इसके आखिर से ई को मिटाओ और ई की जगह आपने क्या लिखना है? डाई ऑइक एसिड। ये एक सिंपल IUPAC नॉमनक्लेचर का रूल है जिसके मुताबिक हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एसाइल हेलाइड। IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एसाइल हेलाइट। एसाइल हेलाइट कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राइवेटिव है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से ओ एच को रिमूव करें और इस ओ एच की जगह
किसी और ग्रुप को अटैच कर ले, तो इसके नतीजे में एक नया कंपाउंड बनेगा, उस नए कंपाउंड को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसाइल हैलाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिमूव करो और उसकी जगह आप हेलोजिन ग्रुप, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनको लाकर अटैच कर ले, तो इसके नतीजे में जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा उस नए कंपाउंड को हम कहते हैं एसाइल हैलाइड। तो आप एसाइल हैलाइड को नेम कैसे प्रोवाइड करते हो, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू इस चीज को क्लियर करवाएंगे आपके लिए। R CH3 C डबल बॉन्ड O CL। आपने सबसे पहले क्या करना है, एसाइल हैलाइड के कार्बन नंबर को काउंट करना है और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आपने उसको कार्बोऑक्सैलिक एसिड नाम प्रोवाइड करना है। अभी मैंने आपको कार्बोऑक्सैलिक एसिड नाम प्रोवाइड करना सिखाया था। कितने कार्बन है इसमें, दो, तो दो कार्बन वाले कार्बोऑक्सैलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आपने इसको कार्बोऑक्सैलिक एसिड नाम प्रोवाइड किया। नाम प्रोवाइड करने के बाद आपने क्या करना है कि एक एसिड को रिमूव करके इनकी जगह आपने वाई एल पुट करना है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। एक एसिड को रिमूव करके हमने वाई एल लगा लिया, इथेनॉल। और आखिर में फिर हम क्या करेंगे कि इसमें मौजूद हेलोजिन का नाम लिखेंगे। इस एसाइल हैलाइड में कौन सा हेलोजिन प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो आपने हमेशा अगर क्लोरीन था तो क्लोराइड लिखना है, अगर ब्रोमीन था ब्रोमाइड, अगर आयोडीन है तो आयोडाइड, अगर फ्लोरीन है तो उसकी जगह आपने फ्लोराइड लिखना है। इसमें कौन सा हेलोजिन है, क्लोरीन, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो नाम क्या बना, इथेनॉल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। ये हमारे पास एक एसाइल हैलाइड है। तो सबसे पहला तरीका क्या था, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आपने उसको कार्बोऑक्सैलिक एसिड नाम देना है। कितने कार्बन हैं, एक, दो, तीन, तीन कार्बन वाले कार्बोऑक्सैलिक एसिड को कम हम क्या नाम दे दे हैं, प्रोपेनोइक एसिड। नाम देने के बाद आपने एक एसिड को मिटाकर उसकी जगह आपने क्या लिखना है, वाई एल। ये लिख लिया। एंड में फिर आपने क्या करना है, हेलोजिन का नाम मेंशन करना है, कौन सा हेलोजिन के साथ अटैच है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो ये नाम क्या हुआ, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स भी कार्बोऑक्सैलिक एसिड की डेरिवेटिव है। अगर आप कार्बोऑक्सैलिक एसिड की OH को रिमूव करके उसकी जगह NH2, जिसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, उसको लाकर अटैच कर लो, तो उसके नतीजे में जो नया कंपाउंड बनेगा, तो उस नए कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइड्स। तो आज इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम अमाइड्स को नाम कैसे प्रोवाइड करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर उसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आप क्लियर करूंगा आपके लिए। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आपने उसको कार्बोऑक्सैलिक एसिड नाम देना है। कितने कार्बन हैं, दो, दो कार्बन वाले कार्बोऑक्सैलिक एसिड को हम कहते हैं इथेनोइक एसिड।
नाम दे दिया। नाम देने के बाद आपने क्या करना है, ऑइक एसिड को मिटाकर उसकी जगह आपने क्या लिखना है, अमाइड लिखना है। तो ऑइक एसिड हमने मिटा दिया, उसकी जगह हम लिखेंगे अमाइड। तो नाम क्या बनेगा इसका, इथेन अमाइड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2। सबसे पहले रूल क्या था, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आपने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देना है। कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तीन कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके नाम के आखिर से ऑइक एसिड को मिटाकर आपने क्या लिखना है, अमाइड्स लिखना है। इसको मिटाकर हम क्या लिखेंगे, अमाइड्स। तो इसका नाम क्या बना, प्रोपेनो अमाइड्स। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर पढ़ी, फिर उसके बाद हमने एसाइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर पढ़ा और आखिर में अमाइड्स की। थैंक यू।